सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों चाहता हूँ। वक्त ने कहा, धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो पर उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। खो देते हैं फिर खोजा करते हैं, यही खेल लोग जिंदगी भर खेला करते हैं। आज का पंचांग 3 मई 2021 दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:49 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:33 से 9:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 3 मई 2021 दिन सोमवार, आपका झुकाव आज कुछ हद तक आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। आप किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या किसी टीवी शो देख सकते हैं, प्रेरणात्मक साहित्य पढ़ें या किसी महान नायक की जीवनी पढ़ें। हो सकता है कि इनमें से आपको अपने जीवन के लिए कुछ बहुत अच्छा साबित हो जाए। किसी करीबी या कड़वी स्थिति से बचने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर दिमाग को शांत रखकर दिन बिताए तो राहत महसूस होगी। इस समय बहुत अधिक पैसों और संयम रखने की जरूरत है। हर बात को गहराई से समझना और उस पर अमल करना आप विशेष गुण रहेगा। एकर संबंधी द्वारा कुछ समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई समस्या का समाधान आज आपको मिलने वाला है। पैसों से संबंधित चिंता दूर होने लगेगी। योग्य निवेश भी आप कर पाएंगे जिसके कारण भविष्य में आपको बड़ा फायदा प्राप्त होगा। युवाओं के बीच को योग्य दिशा प्राप्त होगी। प्रिय मित्र के साथ जुड़े रहने के कारण मानसिक आनंद प्राप्त होगा। छोटी मोटी शारीरिक समस्या तकलीफ भी दे सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, किसी की कोई नकारात्मक बात आपको गंभीर लग सकती है। मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। इस बड़ी समस्या का समाधान आज आपको मिलने वाला है। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी। सावधानियां, किसी की कोई नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती है। अपना मनोबल बनाकर रखें। धैर्य की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। अपने घर पर परिवार की जरूरतों का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। आज का उपाय, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। नजदीकी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने तथा विचारों का आदान प्रदान करने से राहत मिलेगी। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये समय की जबरदस्ती है, लेकिन ऐसा करने में आपको मुसीबतें आएगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों ही में से एक को चुनना पड़े। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई और विनम्रता से पेश करना ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। बात करते हैं करियर की। आज कुछ प्रमुख व्यय आप योजना बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस खर्चों पर आपकी नजर रहेगी। आज के दिन वित्तीय योजना आपके लिए एकदम सही है। कार्य जो कि कुछ समय से अधूरे उन्हें पूरे करने का भी उचित समय है।
आज आप अपनी बचत और मांसपेशियों के एक पूरी सूची के साथ बैठे हैं और उन्हें व्यवस्थित करें, क्योंकि आज आपको शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप आज विशेष रूप में शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आज आप अपनी शारीरिक फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक हैं। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।